आओ सलारिया जल सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट तुहाडा फ्री इलाज करेगा। कोई एक रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। गलुकरा सप्ताह को लेकर पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा प्रबंध पुख्ता कर दिए गए हैं। जिला पठानकोट की बात करें तो इसके साथ लगते इंटरस्टेट नाकों पर जहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं जगह जगह पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते आज पठानकोट शहर में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे और शरारती आंसरों पर भी नकेल कसी जा सके। इस बारे में जब एसपी ऑपरेशन मनोज ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पठानकोट के साथ लगते इंटरस्टेट नाकों के अलावा भारत पाक सीमा से सटे इलाकों में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर कोई भी शरारती आंसर या फिर कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए ताकि मौके पर पहुंचकर पुलिस बनती कार्रवाई कर सके। यादव सर दीयां हदायतां अनुसार ते साडे एस एस पी हरकमलप्रीत जी दे निर्देशां अनुसार जिहड़ा इह फ्लैग मार्च कढ़िया जा रहा सिटी दे विच। तुहानूं पता सारिआं नूं अज तों घल्लूघरा हफ्ता जिहड़ा उह शुरू होया है ते इहदे विच अही मैसेज देना चाहुंदे हां असीं कि कोई भी गलत आंसर कोई भी इहो जिहा काम ना करे जिस च साडे समाज दे विच कोई गलत मैसेज जावे। इहदे लई असीं जिहड़ा इह फ्लैग मार्च कढ रहे ने ते मैं अपने पठानकोट वासियों को भी अपील करना कि कोई यहोजा आंसर है तो जल्द जिहड़ा पुलिस नूं दस्सिया जावे। स्पैशल फोर्सेज भी कोई तैनात कीती गई? हाँ जी हाँ जी, स्पैशल फोर्स भी साडे कोल ट्रेनिंग आए ने ते ओह साडे नाल ही है, ओह भी नाल फ्लैग मार्च दे विच आए। नाल सरहदी खेतर हैगा जिहड़ा भोआ, ओहदे लई की ओहदे ते भी सारे सुजानपुर भोआ पूरे डिस्ट्रिक्ट के बीच अलग अलग दिनों के बीच फ्लैग मार्च कटिया जाऊगा। इंटरस्टेट नाके जोड़े फोर्स उत्तर फोर्स बधी हुई है, उत्तर चैकिंग चल रही है, साड़ी दिन रात चैकिंग चल रही है।